हाय गाइस, मैं नंदू सर बोल रहा हूँ और आप लोग वीडियो पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब करिए और आगे मैं वीडियो छोड़ता रहूंगा। और मैं एक मोटिवेशन स्टोरी छोड़ा जो आप लोग बहुत पसंद किए और आगे मैं मोटिवेशन स्टोरी करूँ। इससे क्या होता है, बच्चे लोग का दिमाग, आप इसको सुन के आपका सकारात्मक, आपका जो समाज में असर आएगा, आप लोग कैसा है कॉमेंट में जरूर पास करिएगा, तभी जाके मैं आगे मोटिवेशन स्टोरी भी छोड़ूंगा। तो आज हम जो आए हैं, हम लोग सर्किल का कुछ प्रॉब्लम लिखा है। सर्किल का मतलब जो अभी परीक्षा आप लोगों के सामने है, जैक बोर्ड का, बाकी बोर्ड का भी है लेकिन जैक बोर्ड का ज्यादा है। आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये सर्किल का देता है। कुछ तीन चार टॉम सॉल्व करेंगे आप लोगों के सामने, दो तीन टो, जो आप लोगों का सर्किल का मेन मेन जो इंपॉर्टेंट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में आपका दिया हुआ कि आपका यहाँ तीन पॉइंट होता है। आपका यहाँ देखेंगे, ये ओटी हो गया रेडियस, मतलब त्रिज्या, ठीक है, और ओक्यू हो गया आपका, ए हो गया आपका सेंटर से जो दूरी होता है ओ क्यू, और ए हो गया टी क्यू जिसको बोलता है टेंजेंट, मतलब स्पर्श दूरी। ठीक है, स्पर्श की दूरी। तो ये चीज आपको आपको पकड़ना है कि इसमें एक ही रूल आपका फॉलो होगा, पाइथागोरस रूल। ठीक है, आपको कभी क्या होता है, इसमें आपको ये दे देगा, ये दे देगा, ये निकालना पड़ेगा, या कभी ये मिसिंग रहेगा, ओके, और आपका ये दे देगा, तो ये रहेगा। तो सिंपल लॉजिक आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पाइथागोरस का आपको फॉर्मूला डालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस को हम लोग जानते हैं, ये हम लोग जानते हैं, ए इक्वल टू ये दोनों का प्लस होता है। तो सोच लीजिए, यहां पर जो बड़ा है सबसे वो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू टी स्क्वायर प्लस ओ टी स्क्वायर, मतलब ए इज इक्वल टू ये दोनों का प्लस। लेकिन हम लोग को फाइंड क्या करना है, रेडियस त्रिज्या। ठीक है, तो हम लोग अभी वैल्यू इसको बैठाएंगे। तो ओ टी फाइंड कर रहा है, तो ओ क्यू का वैल्यू देखिए दिया 20 माइनस 24 स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों वैल्यू बैठा दिए। अब आपको देखना है कि इसको याद रखिए, ये होता आपका स्पर्श रेखा और ये होता जो आपका केंद्र से दूरी और ये होता त्रिज्या। तो हमेशा आपको फाइंड, ये समझ में आ गया, तीनों में दो तो दिया रहेगा, एक तो आपका फाइंड करना है, दो दिया रहेगा आपको, एक तो फाइंड करना है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, त्रिज्या फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो बस फॉर्मूला बैठा दीजिए, त्रिज्या को मत रखिए। तो ये 25 25 कितना होता है, 6 और 24 इंटू 24 5 7 6। ठीक है, अब इसको माइनस करिए, अब आपका 625 और 576, ओके। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो 49 आएगा, ओके। तो ओ टी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 और ओ टी इज इक्वल टू इसको स्क्वायर रहेगा तो रूट तो 7 आंसर हो गया। इसी तरह से आप कोई भी कुछ भी कर सकते हैं, जैसा अगर आपको ओ टी निकालने दिया तो ये माइनस में आएगा। ठीक है, सिर्फ ये निकालने देगा जब ओ क्यू जब निकालने देगा तो दोनों का प्लस होगा, अगर ए भी निकालने देगा क्यू टी तो ये दोनों का माइनस होगा। ठीक है, जब ये निकालने देगा ये दोनों का माइनस होगा, जब ये निकालने देगा तो ये दोनों का माइनस होगा, लेकिन ये जब निकालने देगा तो प्लस होगा। तो मेन फॉर्मूला ये दिस वन, इसको अगर दिमाग इस तरह का तीन चार तो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके लीजिएगा आपका एनसीईआरटी का बुक में, ओके। सिद्ध, अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका प्रूफ करना। देखिए क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, सिद्ध करें कि किसी बाहु बिंदु से, ये देखिए ये बाहु बिंदु से जो स्पर्श रेखा है पीबी और एपी ये दोनों बराबर है। बाहु बिंदु से क्या है, इसको टेंजेंट बोलता है, एपी टेंजेंट और पीबी दोनों बराबर है। तो इसको हम लोग सिंपल, पहले आप लोग जानते हो केंद्र ओ है, पीए तथा पीबी स्पर्श रेखा है। ठीक है, इंग्लिश में बोल लीजिए पीए तथा पीबी, इसको टेंजेंट बोला जाता है। ठीक है, अब प्रूफ करना है पीए और पीबी दोनों बराबर है। ठीक है, अब हम लोग क्या कंस्ट्रक्शन हम लोग जो करते हैं, रचना लिखते हैं, इसको आप ओए टच कर दीजिए, ओपी कर दीजिए और ओबी कर दीजिए, पीबी कर दीजिए, पीबी तो है। ठीक है, ये हो गया कंस्ट्रक्शन। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को प्रूफ करना है, देखिए सिंपल, ए और ये, तो हम लोग ले लेंगे ट्रायंगल ए ओ बी एंड बी ओ पी, ये दोनों ले लीजिए त्रिभुज, दोनों त्रिभुज को ले लीजिए। अब इसमें देखिए
ओपी ओपी बराबर ओपी, इंग्लिश में आप कॉमन लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम उभयनिष्ठ, ओपी बराबर उभयनिष्ठ लिख लीजिए, ठीक है। अब आ रहा ओबी, देखिए ओबी और ओए, ठीक है, ये रेडियस हो गया, मतलब इंग्लिश मीडियम लोग रेडियस लिख दीजिएगा और आपको हिंदी मीडियम लोग दिख जाए, ओबी और ओए दोनों में बोल रहे हैं, दोनों का सुविधा, ठीक है, ओबी इज इक्वल टू ओए। अब बच्चा दो हो गया, ए हो गया, ए हो गया और ये हो गया, लेकिन इसको तो नहीं ले सकते, एपी और पी भी हम लोग नहीं ले सकते, क्या ये भी बराबर है, इसको तो प्रूफ करना है, तो हम लोग ये ले सकते हैं, देखिए ओ ओ ए मतलब आपका ए एंगल हो गया आपका 90 डिग्री और इधर बी एंगल 90 डिग्री, क्योंकि त्रिज्या में जो रहता है आपका टेंजेंट में जो बनता वो होता 90 डिग्री, मतलब आपका एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये 90 डिग्री। इसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ओ ए यहां पर लिख सकते हैं, ओ ए परपेंडिकुलर मतलब ए पी, और इधर ओ बी, ठीक है, ओ बी लंब किसके ऊपर है, पी बी, तो ये जब लंब हो जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो हम लोग का क्या आया, साइड आया, साइड आया एंगल, मतलब एस एस ए आपका क्या हो गया, एस 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 आपका क्या हो जाएगा, ए ओ पी सर्वसंत हो गया, कॉम्बिनेट हो गया बी ओ पी। जब ये दोनों ये त्रिभुज आ रहे, त्रिभुज जब सर्वसंत हो गया तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ए पी इक्वल टू पी बी प्रूफ हो गया, ठीक है। फिर एक बार हल्का सा देखिए रिविजन बता दे रहे, आपका ए और ये प्रूफ करना, मतलब ए स्पर्श रेखा और ये टेंजेंट को प्रूफ करना, तो आप लोग जो लिखना पड़ता आप लोग जानते हैं थ्योरम में क्या लिखना पड़ता है प्रूफ करने में, केंद्र ओ से पी ए तथा पी बी दोनों स्पर्श रेखा, ओ से ओपी, ओ है ए ओपी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब प्रूफ में क्या लिखना है, पी ए बराबर पी बी, मतलब दोनों टेंजेंट को प्रूफ करना है, रचना में क्या है ओ ए, ठीक है, ओ बी और ओपी, ये हो गया आपका रचना। इसके बाद आपका आ रहा है, अब ये दोनों को प्रूफ करना है तो हम लोग कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ए ओ पी बी ओ पी, ये दोनों त्रिभुज को हम लोग ले रहे हैं, इसमें कौन कौन सा आ रहा, ओपी उभयनिष्ठ हो रहा है कॉमन, और ए और ए देखिए ओबी और ओ ए दोनों त्रिज्या बराबर हो जा रहा, दो मिल गया, और एक तो ओ ए किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, एपी एपी के ऊपर मतलब लंब है, और ओबी किसके ऊपर, पीबी के ऊपर, तो ये दो मिल गया तो आपका प्रूफ हो गया, ए एंगल बी एंगल 90 डिग्री, ऐसे ऐसे प्रूफ हो गया, तो ये ओपी ओके। देखिए प्रूफ करना है आपका, सिद्ध करिए कि आपका जो व्यास का दो सिरों पर सीडी और एबी दो स्पर्श रेखाएं समांतर होता है, मतलब आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का जो आपका जैक बोर्ड में बहुत बार देता है, तो सीडी टेंजेंट और एबी ये दोनों पैरेलल है, तो हम लोग क्या करना है, पहले लिखना है एबी और सीडी दो स्पर्श रेखाएं, ओके, पहले जो है लिख लीजिएगा प्रूफ दैट, मतलब सिद्ध करना है ए बी पैरेलल, ए बी ठीक है पैरेलल सी डी हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि रेडियस में मतलब त्रिज्या जैसा ओपी इसका ऊपर क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, मतलब ओपी परपेंडिकुलर ए बी, ठीक है, तो परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है, तो लंब जब हो जाएगा तो ए पी ओ ये हो जाएगा 90 डिग्री इक्वेशन वन, क्लियर। तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, ओ क्यू देखिए ओ क्यू परपेंडिकुलर सी डी, ओ क्यू लंब हो गया सी डी के ऊपर तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा ओ क्यू डी, ओ एंगल ओ क्यू डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो गया इक्वेशन टू, ठीक है, ओ क्यू डी हो गया। अब यहां पर क्या प्रूफ कर रहा था, जो ओ क्यू डी अब ये सॉरी ये प्रूफ करना था आपका, अब देखिए ए पी क्यू मतलब ये ए पी ओ, ए पी ओ बराबर ओ क्यू डी, ओ क्यू डी ये क्या है, ये हो गया एकांतर कोण, ठीक है,
अब जानते हैं अंतर कोण, इधर एक मुंह और इधर मुंह, तो एक अंतर कोण ये लोगे। जब एक अंतर कोण रहता है इसका, तो आपका ये अलग ए बी पैरेलल सी डी हो जाए, तो प्रूफ हो गया। ओके,